अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब कदरों की जान हसन आलिया। तो जनाब शाहपुर कांजरा मंडी व्लॉग सीरीज में जनाब आज हम आए हैं मीरा कैटल फार्म पे। तो जनाब आपको दिखाएंगे यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े जानवर, और जनाब इसके अलावा आपको बताएंगे जनाब इनकी सारी मालूमात। तो जनाब अभी हम मौजूद हैं मीरा कैटल फार्म के ओनर साद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। हमारा जो फार्म है वो यहाँ पे नजदीक की डायमंड मांगा मंडी के पास है, और बेसिकली ये हमारा सेल पॉइंट है, हमारा परमानेंट सेल पॉइंट है शाहपुर कांजरा। तो सर बेसिकली आप कौन कौन सी जो है वो नस्ल तैयार करते हैं, किन किन जानवरों पर आप वर्क करते हैं? जी हम ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, ब्राह्मण्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। क्या हम जो सुकीन है वो है ब्राह्मण्स के, ब्राह्मण्स के, और क्या नाम है पांडा या पांडा ब्रीड में बच्चे होते हैं, उनके शुकीन है। कुर्बानी के लिए जो जानवर तैयार करते हैं उनमें किन किन नस्लों का फोकस करते हैं? उनमें हम ब्राह्मण पे करते हैं फोकस, गुलाबी भी करते हैं फोकस, गुलाबी पे और ज्यादा प्रिंट पे फोकस करते हैं। क्या बात है, प्रिंट बछड़े जो है ना वो उनकी सेल भी अच्छी है और खुद बेच रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे कितने जानवर को मिलता है? यहाँ पे अराउंड 17-18 जानवर का है। 17-18 जगह के लिहाज से ना यहाँ पे जगह कम है, हमारा फार्म नजदीक है, तो जैसे यहाँ से सेल होते हैं जानवर जाते हैं फिर सही हो रहा है। क्या बात है। तो जनाब अभी फिर हम आपको करवाते हैं शो, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्रांडिंग शो करवा दें। ये स्लगर ब्रीड है जी, जी ब्राह्मण में स्लगर ब्रीड है, कुछ लेकर स्लगर का बच्चा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुका है। आप ये जानवर चेक करें माशाल्लाह, इसकी हाइट शेड चेक करें, ये चेक करें खूबसूरत जानवर है, और ये इसकी पलाई चेक करें माशाल्लाह क्या बात है जनाब। ये रेड कलर में है, इसको आप कह सकते हैं कि साहिवाल टाइप जानवर है, साहिवाल टाइप जानवर है। ओके क्या बात। अभी मैं देख रहा था ये काफी मस्ती कर रहे थे ये और काला, ये जनाब मिनट मिनट बाद जो है लड़ना शुरू हो रहा था। जानवर जनाब खूबसूरत गोल जानवर है, भरे हुए पूरी तरह इनकी पलाई हुई है, ये चेक करें जनाब क्या बात। जी सर आगे ये आ जाए, ये स्लगर क्रॉस में बच्चा है। क्या बात है, बड़ी एक यूनिक चीज है, एंटीक चीज है ये। क्या बात है जनाब, भाई कह रहे हैं जनाब ये स्लगर बछड़ा है क्रॉस में, ब्लैक कलर है जनाब, और ये भाई कह रहे हैं कि ये यूनिक चीज है माशाल्लाह। आप जानवर चेक करें, लम्बा ऊंचा चौड़ा जानवर है, गोल जानवर, खूबसूरत चीज है। उसके बाद जनाब ये चेक करें भैया, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्रॉस है, ये ब्राह्मण क्रॉस है। ओके इसकी आप हाइट देखें तो ब्राह्मण से भी, वही मैं वही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इसकी हाइट चेक करें क्या बात है। जी जी माशाल्लाह जनाब ये चेक करें माशाल्लाह, पलाई जानवर की चेक करें खूबसूरत चीज, और इसकी चौड़ाई आप चेक करें इस तरह से, क्या बात है जनाब माशाल्लाह हैवी जानवर। भाई जान इसकी कीमत क्या होगी? 15 लाख डिमांड है, क्या बात है, ठीक है माशाल्लाह जनाब। मेरे हिसाब से भाई ने जितना बड़ा जानवर है मकूल एक कीमत जो की है, मुनासिब डिमांड। वैसे अगर लेना हो तो कमी बेशी का चांस कितना हुआ है? जी जी वो तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, क्या कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो कितना को कम हो सकता है ये, जब कोई आएगा फिर उससे करेगा ये, फिर मतलब कि जब वो मतलब हो जाएगा, हाँ निगोशिएबल बिल्कुल होगा, ठीक होगा जनाब। ये चेक करें क्या खूबसूरत चीज है, ये पांडा फेस है, ये चेक करें माशाल्लाह क्या बात है, इसके मसल ये चेक करें जरा, बिल्कुल जो कट शर्ट आपको नजर आ रहे हैं, खूबसूरत चीज है जनाब। ये चेक करें प्लाई इसकी चेक करें, और ये भी चेक करें कितना चौड़ा इस तरह से, हाइट शाइट पूरी है जानवर की। सर इसकी प्राइस क्या है? ये जो है ये इसकी जो डिमांड है ना वो 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन मतलब जनाब 25 लाख का ये जानवर, भाई कह रहे हैं इसकी डिमांड है माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर है। दांत से सर ये जानवर जो है वो क्या है? ये 6 दांत, ये 6 दांत है जनाब, ये छिगा जानवर है माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर है, क्या बात। पेट में जाके हाइट में जाके जानवर पे 6 दांत बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो नॉर्मल जानवर होता है वो तो अभी ग्रोथ पकड़ता है ना, धोंधा हो गया चोगा हो गया। उसके बाद जनाब ये चेक करें माशाल्लाह, गुलाबी प्रिंट में, ये गुलाबी प्रिंट में जनाब, क्या बात है खूबसूरत जानवर है जनाब, ये भी चेक करें स्किन जो गोल्डन, और वो मैं समझ गया हूँ बढ़िया, क्या बात, पिंकिश टाइप सा इसका जो है वो इसका शेड है, क्या बात है जनाब, खूबसूरत चीज है माशाल्लाह। इसका तो क्या कह सकते हैं आप के पला तो ये हुआ ही है, लेकिन जनाब इसके सोन का मूल्य है, ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत चीज। उसके बाद भाई जान ये पांडा, ये पांडा इसमें पांडा भी इसको कह सकते हैं, जी जी काला ब्लॉक भी कह सकते हैं, सेल आउट हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह जानवर कराची जा रहा है, ये भी सेल आउट हो चुका है माशाल्लाह जनाब, भाई बता रहे हैं ये फ्लाई के लिए जा रहा है, कुर्बानी के लिए भी जा रहा है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, भाई कह रहे हैं कि ये सेल आउट हो चुका है, काला ब्लॉक है, पहले ही हैवी जानवर है, और ये सेल हुआ है कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि पलाई के लिए, क्या बात है भजन। और इसको कितना पालना माशाल्लाह, ये जो है ये हमारे कराची के कुछ दोस्त हैं, जी जी उन्होंने परचेज किया, वो लेके जा रहे हैं वहां, क्या बात है माशाल्लाह। इस टाइम जानवर कितने वेट में होगा? इस टाइम जानवर जो है वो अगर आप देखें ना केजीज में जाए तो लाइव वेट ये कम से कम जो है ना मतलब 8-850 जो है ना 8-850 बछड़े जनाब, ये 44 बछड़ा,
ये चेक करें जनाब, माशाल्लाह क्या बात है जनाब, खूबसूरत चीज है ये भी। इसकी वजन डिमांड कितनी है? ग्यारह लाख माशाल्लाह जनाब, खूबसूरत जानवर है। उसके बाद जनाब ये कौन सा है? ये गुलाबी प्रिंट बच्चे, नुकरा टाइप ऐसे ही है, गुलाबी प्रिंट में। हाँ, गुलाबी प्रिंट में। ओके, ये जनाब चेक करें माशाल्लाह, प्योर वाइट है, खूबसूरत जानवर है, पिंकिश इसकी शेड है, कोई दाग छाप कोई चीज नहीं। बाकी जनाब दोनों साइड पे ये खड़े हैं, अंदर हम घुस नहीं सकते, क्या बात। तो ये कौन सा? ये जो है ये भी प्रिंट में बच्चा है। जी जी, काला अबलक। ओके सर, क्या बात है जनाब, ये भी खूबसूरत जानवर है, पला हुआ, हाइट शाइट चुड़ाई हर चीज जानवर की पूरी है। सर इसका इसकी कीमत क्या होगी? इसकी जो है वो 12 लाख की डिमांड, 12 लाख। बाकी भाई ने जिस तरह पहले बताया कि जितने भी जानवर यहाँ पे डिमांड सबकी निगोशिएबल है, डिमांड सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो जनाब आप अगर बिल्कुल जो है वो बात कर सकते हैं भाई के साथ। उसके बाद भाई जान ये चेक करिए, हमें एक नायाब चीज नजर आई है, इतने भरे भरे जानवरों में आपने ये भी शो किया हुआ है। जी, गैना बच रहा है। गैना मतलब गैना, ये बेसिकली ये छोटी हाइट में होते हैं, छोटी हाइट में होते हैं, गैना कह सकते हैं इसको, मतलब कि ये छोटी हाइट में और छोटा इनका कद, ये चार दांत है मुझे, चार दांत ही ज्यादा है, एज में ज्यादा है। और जो ना ये हाइट इसकी यही रहेगी, हाइट इसकी यही रहेगी, सही है। लेकिन माशाल्लाह जनाब जानवर तो ये देखें, आप ये देखें कि इसकी नाफ ज्यादा भी जी है, पूरी है, क्या नाम है, प्रिंट में बछड़ा है, बिल्कुल है। इतनी नस्ल नहीं होती, ये नस्ल में बछड़ा, मतलब नया चीज आपने रखी है माशाल्लाह। इसकी डिमांड कितनी है? ये सेल हो चुका, ये सेल हो चुका है माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। ये चेक करें, खूबसूरत चीज है, पूरा गोल जानवर है, चौड़ाई पूरी है, सिर्फ हाइट छोटी है, और वो छोटी नहीं है बल्कि ये नस्ल ही ऐसी है, और खूबसूरत चीज है। झालर वगैरह चेक करें आप जनाब, इसकी नाप शाप चेक करें, जानवर खूबसूरत है, और भाई बता रहे हैं कि माशाल्लाह ये सेल आउट हो चुका है, क्या बात। चेक करें जनाब माशाल्लाह, खूबसूरती में अपनी मिसाल, आप जानवर है उतना ही लंबा है, उतना ही गोल है, उतना ही चौड़ा, खूबसूरत जानवर है, और भाई बता रहे हैं कि माशाल्लाह ये भी सेल आउट हो चुका है, क्या बात है। भाई इसका जो वजन है वो कितना होगा? इसके वजन का आइडिया आई थिंक सो के 650 केजी लाइव होगा, क्या बात है जनाब, माशाल्लाह खूबसूरत चीज है। भाई नस्ल कौन सी है ये? अच्छा, आपके फार्म का फेवरेट बच्चा, क्या बात है, खूबसूरत चीज है जनाब माशाल्लाह, चेक करें। और ये कलर पैटर्न, और ये कलर पैटर्न जो है जनाब ये बिल्कुल, जी जी, इमरान भाई है, कुर्बानी लवर है, क्या बात है माशाल्लाह, उन्होंने परचेज किया और बड़ी अच्छी कुर्बानी करते हैं जनाब। ये चेक करें, ये अबलग टाइप सी प्रिंट नस्ल है, सही है सर? जी बिल्कुल, अबलग प्रिंट में नस्ल है। जी जी, आप जानवर का अगर दिखाएंगे, पलाई दिखाएंगे, कलर जनाब दिखाएं। क्या बात जनाब, माशाल्लाह, मैं वही कह रहा हूँ की इस चीज में तो कोई जो है वो दो राय नहीं है की जानवर आपके सारे खूबसूरत, गोल, पलाई पूरी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जिस तरह बताया ना कि आप यूनिक चीज, प्रिंटेड चीज लेके आते हैं, हर जानवर में ये चीज कॉमन है जनाब, कि खूबसूरती जो है पूरी है, और जनाब कलर पैटर्न आपको सबके नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, एक से एक यूनिक चीज है। और मतलब ये देखें, ये लाइक पांडा टाइप शेप भी है, ये अबलग टाइप शेप भी है, और ये प्रिंटेड भी है, क्या बात है। और ये कलर जो है ना ब्राउन व्हाइट सर, ये तो मेरा अपना जो है वो लव है पूरा। और माशाल्लाह यहाँ पे कमर दिखाएं ना, जी जी, यहाँ पे आके ये चाई का अंदाजा होता है जानवर कितना पला, क्या बात है सर, ये चेक करें, मेरे जैसा बंदा पूरा ऊपर लेट सकता है, बिल्कुल ऐसे, क्या हाल है, कितना चौड़ा जानवर है ना, कि ये कमर नहीं, कमरा है, बिल्कुल कमरा है, आप देखें तो माशाल्लाह पूरा जो है फ्लैट है काफी। और माशाल्लाह जनाब ये चीज आप इसकी चेक करें, क्या बात है, खूबसूरत चीज है, मतलब अगर मैं इसके सामने अगर खड़ा हो जाऊँ ना तो ये फिर भी मुझसे चौड़ा पीछे से, क्या बात है, खूबसूरत चीज है। तो सर बेसिकली माशाल्लाह जानवर खूबसूरत है, पलाई पूरी तरह हुई हुई है, तो इसके पीछे जारी बात है कि डाइट का राज है, वो क्या राज है, काइंडली डाइट शेयर करें आप, बहुत से लोगों को ना क्रोस्टी होती है। डाइट हम देते हैं इनको गंदम का और चने का करा, और साथ क्या नाम है ना, मकई का चारा, मकई ये तीन चीजें मिक्स करके वंडा हम बनाते हैं, वंडा अपना बनाते हैं, लाइक कोई आर्टिफिशियल कोई चीज ऐसी नहीं है, आर्टिफिशियल कोई ऐसी हम चीजें डालते हैं, जी जी, सारा देते हैं, और साथ क्या नाम है, हे देते हैं, हे देते हैं, घी देते हैं जी, और गर्मियों में दही और सरसों का ऑयल देते हैं, क्या बात है माशाल्लाह, प्रॉपर जो खिदमत करते हैं आप इनकी। लेकिन हम डालते हैं इनको एक्सेस है,
एक्सेस एक्सेस डालते हैं तभी इनके रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, देखिए ना जारी बात है, अगर आप पूरा पूरा सा देंगे फिर वो जानवर उतना ही निकलेगा। नीड जितनी है, अगर एक जानवर की 4 kg तो सिर्फ नीड है। बिल्कुल, अगर आप उसको 4 kg मंडा दे रहे हैं तो सिर्फ उसकी नीड पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इसको 4 kg के बजाय आप इसको 8 kg देंगे तब जानवर जो है ना वो अपने कहते हैं पूरी पलाई में है, पूरी पलाई में आएगा। जारी बात है, एक्सेस देंगे तो वो बाकियों से एक्सेस में नजर आएगा। ऐसी बात है, क्या बात है। तो जनाब ये था आज का ब्लॉग और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ भाई का जो कि ऑनर है जनाब मीरा कैटल फार्म के, और माशाल्लाह इतना खुशी से और इतना जनाब खुले दिल से भाई ने हमें विजिट कराया अपने पूरे फार्म का। जो जो सवाल हमने पूछा जनाब हमें उसका पूरा जो ईमानदारी से भाई ने जवाब दिया, और इवन के जो चीज़ हमें नहीं पता भाई ने हमें वो भी बताई है, और एक एक चीज़ जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो चीज़ मुझे पता होनी चाहिए वो हर चीज़ भाई ने खोल के हमारे सामने रख दिया, मेरे जो इलम में बहुत इजाफा कर दिया माशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत सी चीज़ें जो पता लगी होंगी, बड़ी बड़ी आपने यहाँ पे नस्ल देखी है, बड़ा बड़ा माशाल्लाह खुला जानवर देखा, इवन के भाई ने आपको उन राजों के बारे में भी बता दिया। तो हम जनाब भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जजाकअल्लाह सर, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके इस कारोबार को और इंशाल्लाह सर हम यकीन करें, हम दुआ करते हैं ताकि आप इस तरह से किए जाएं जानवर पालते रहे, लोगों की खिदमत करते रहे, और हम जो आप लोगों के पास आते रहे और लोगों को जब दिखाते रहे ताकि लोगों को ईजी एक्सेस मिले, वो डायरेक्ट इधर उधर जाने की बजाय जो लोग जानते हैं जो बाकी नवर है वो सीधा आपके पास आए, जानवर पसंद करके रखवा सकते हैं इस तरह, बाकी जानवर लोगों ने रखवाए पूरी तरह से भाई उनकी खिदमत कर रहे हैं और आप जब चाहें जानवर लेके जा सकते हैं। इतना बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके कारोबार को और एक्सपेंड करें, इसी तरह से आप मेहनत करते हैं बरकत अल्लाह ताला देता है। जजाकअल्लाह सर, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर करें सब्सक्राइब, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।